ये लेजी रिवर में लेजी बन कर लेटने में मजा आ रहा है, एकदम शांति, आराम से अपने साथ टाइम बिताओ। वाह, अरे मस्त एंजॉय करो। क्या कर दे तुम? अरे अभी गिर पड़ता तुम, मोबाइल मेरा गिला हो जाता। अरे मैंने आपको गिरने से बचा लिया, पीछे पीछे ऐसे ऐसे अभी गिरने वाले थे। क्या बात कर रहे हैं आप? तो क्या कर क्या रहे हैं आप इधर? अरे मैं डाल भी ले रहा था। किसका? जेठालाल, क्या फालतू का बात करता है, सेल्फी खुद का लेता है ना। हाँ नहीं नहीं बराबर, मैं मजाक कर रहा हूँ। देखो इधर टाइम पास मत करो, मेरे को सेल्फी लेने दो, जाओ अभी। तुम बोलते अय्यर भाई, मैं क्या, मेरी बात तो सुनो यार। इधर से नीचे से क्या सेफली ले रहे हो यार? उधर ऊपर से सेफली लो, मस्त सेफली आएगा उधर ऊपर से। हाँ देखो, ये ऐसे आप लेंगे ना, आगे आपका मुंह और पीछे पूरा वाटर पार्क, मस्त सेफली आएगा। नहीं आइडिया अच्छा है, लेकिन मेरे को ऊपर से डर लगता है। क्या बात कर रहे हो, क्या डर रहे हो, उसमें डरने जैसा कुछ है ही नहीं। डरने जैसा नहीं है, लेकिन ये जो स्लाइड है ना, ये स्लाइड से मेरे को बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाता। अरे वो साइड में थोड़ी आपको ऐसे नीचे आने का है सरक के, आपको तो खाली सफली लेना है ना ऊपर। हाँ तो मैं दिखाता हूँ, बहुत मस्त जगह है, बहुत बढ़िया। अरे ऐसी सफली देख के ना बबीता जी खुश हम खुश हो जाएंगे। देखो ये डाला, ये बहुत ऊपर है। हाँ लेकिन ये इधर तो देखो कितना मस्त वो है, फोटो आएगा इधर से। ले लो चपली, ले लो। ले लेते हैं। एक मैडम मैं बोलू तो अभी कितना, 1 2 3 बोलता हूँ मैं। ठीक है ठीक है, रेडी 1 2 3। तुम क्यों घुस गया मेरे सेल्फी में? अरे भाई हम दोनों का सेल्फी साथ में देख के बबीता जी खुश हो जाएंगे भाई। जेठालाल, बबीता को मेरे अकेले का सेल्फी चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है, तो अकेले का ले लो, ले लो, ले लो। हो गया? हाँ हो गया। अभी एक और आइडिया दूं सेल्फी का। हाँ दो दो दो। आप क्या है? एक मिनट, ये जो है ना ये, इसको इधर ऐसे रखते हैं। आप इस पे ऐसे पेट पे ऐसे सो जाना, हाँ, और फिर मैं इधर से आपका फोटो लेता हूँ। नहीं नहीं जेठालाल, अगर ये कुछ हो गया और मेरे गिर गया तो बहुत ऊपर है, मेरे को डर लगता है। नहीं नहीं, आपको राइड में थोड़ी जाना है, इधर ही ऊपर ही। अरे नहीं नहीं जरा, फिर भी मेरे को ये राइड तो बहुत डर लगता है। अरे पर राइड में नहीं जाना है आपको, नीचे तक नहीं जाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर ऊपर ही खाली आप पेट के बल ऐसे लेटो, ऐसे पीछे देखना, मैं आपका फोटो खींचूंगा, फिर आप इधर से बाहर आ जाना। ठीक है ठीक है, पिता जी बोलेंगे तो ओहो इतने ऊपर से आपने राइड किया, ऐसा लगेगा। थोड़ा इधर देखो, आगे इधर इधर, हाँ स्माइल। अभी यार भाई आप है ना, एकदम एक मिनट पूरा ऐसा वो पकड़ लो, दोनों हाथ से पकड़ लो, और जब तक मैं बोलूँ ना पीछे देखना मत, ठीक है? एक मिनट, हाँ हाँ, थोड़ा पैर पैर मोड़ो, एक मिनट ना, एक मिनट मैं आपको बोलूँ तो अभी पीछे देखना, बराबर शाबाश। एक सुनाई नहीं दे रहे, बहुत ऊंचाई पे हूं ना मैं, मजा आया कि नहीं? अरे क्या मजा आया, कोई मजा नहीं आया मेरे को। मैं आता हूँ आता हूँ, रुको आता हूँ, मैं आता हूँ।
बागा, याद है ये वही राइड है जिसमें मैं और भारती नीचे आए थे जब आप लोग हमें ढूंढ रहे थे। हाँ मुझे पता है पोपट भाई, आप चिल्लाए थे जेठालाल बागा बराबर ना, लेकिन ये राइड बहुत डेंजर है, मैं इसमें नहीं बैठूंगा। हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कंपनी दूंगा। थैंक यू मेरे भाई। अरे क्या कंपनी दूंगा, अरे कुछ नहीं होता, चलो मजा करेंगे चलो। नहीं 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 सुनो सुनो सुनो, मैं इस राइड में बैठा हूँ, मुझे पता है ये कैसे चलती है। क्या कैसे कैसे? इसमें क्या होता है ना, राइड ऐसे 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 करके फिर आराम से नीचे पहुँच जाएगी, कुछ नहीं होगा। सुन के मुझे चक्कर आ रहा है। मुझे भी ना, हम लोग रहने देते आप से बोटिंग करते हैं, लेकिन आज गोकुल ने हमारे कुछ हटके करेंगे। yes. अच्छा? जमीन पे बोट चलाएंगे? अरे नहीं नहीं पापा। तो फिर क्या, लेक में स्विमिंग और स्विमिंग पूल में बोट चलवाओगे? अरे आहू। अरे नहीं नहीं वीर अंकल, आज हम लेक में बोट रेस करेंगे। काश बबीता जी यहाँ होते, मजा आ जाता। अच्छा आइडिया सोचा है टप्पू सेना ने। थैंक यू। देखिए मैं इस बोट रेसिंग में हिस्सा नहीं लूंगा। हर्ष तो फिर मैं भी नहीं करूंगी। अरे कोमल तुम मेरी वजह से बोट रेसिंग में हिस्सा क्यों नहीं ले रही हो? जहाँ तुम वहाँ मैं। ओह स्वीट कोमल। देखो मैंने कहा था ना, मैं अपने मम्मी पापा को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप दोनों का नाम गोली ने पहले से लिस्ट से निकलवा दिया था। स्मार्ट बेबी। वाह गोली बहुत अच्छे से पहचानता है अपना मम्मी पापा को। अरे उसके मम्मी पापा है तो पहचाना ही ना। तो देखिए
अब बोट रेसिंग के रूल्स बड़े सिंपल है। 8 जोड़ियां होगी जो ये बोट रेसिंग में पार्टिसिपेट करेंगी और जो जोड़ी 6 मिनट के अंदर वो ब्रिज को पार करेगी वो जीत जाएगी। यस 6 मिनट में? ओ 6 मिनट में तो मैं पूरे लेक तक चक्कर लगा लूंगा। ओ जेठालाल तो पैडल बोटिंग में चक्कर लगाना है। हाँ तो और कैसे, मुझे लगा तुम चल के बोल रहे हो। नहीं नहीं चल के तो बहुत टाइम लगेगा भाई। अच्छा लेकिन जोड़ियां डिसाइड कौन करेगा? जोड़ियां हमने पहले से ही बना ली है। वाह वाह यस yes. तो पहली जोड़ी है सोडी अंकल और पोपट अंकल की। भाई मेरे साथ है पंजाब का शेर, मिलके कर देंगे हम सबको ढेर। तो दूसरी जोड़ी है बीड़े अंकल और माधवी आंटी की। अरे वाह। जोड़ी नंबर 3 बागा भाई और अब्दुल भाई। अरे वाह अब्दुल भाई। जोड़ी नंबर 4 अपना पिंकू और अय्यर अंकल। और पांचवी जोड़ी है मेहता अंकल और अंजलि आंटी। और छठी जोड़ी है गोगी और सोनू। और सातवीं जोड़ी है दादाजी और टप्पू की। यस अरे वाह टप्पू। जोड़ी नंबर 8 है जेठा अंकल और मैं। अरे एक मिनट तो शांति रह, तू नहीं तू का वो बोल बेटा, उसको बोलना था ना बेटा, बोल बोल। जेठा अंकल सिर्फ मैं ही बचाऊ। सत्यानाश, ये झाड़िया तो पैडल मारेगा नहीं, ऊपर से मुझे मेरा और इसका दोनों का वजन उठा के पैडल मारना पड़ेगा। हे भगवान आप अपने शक्ति के पंप से मेरे पैरों में इतनी शक्ति भर देना कि मैं ये रेस जीत जाऊं। ओए जेठालाल क्या सोच रहा है, तुम्हारा पार्टनर गोली है इसलिए डर गया क्या? अरे नहीं नहीं अय्यर अंकल, जेठा अंकल तो उल्टा रिलैक्स हो गए, भगवान को थैंक यू बोल रहे है ना जेठा अंकल? हाँ तू है फिर मुझे पैडल मारने की जरूरत ही क्या है? चेंबार। नहीं नहीं जेठा अंकल ये अकेले का काम थोड़ी है, अगर रेस जीतनी होगी तो आपको भी पैडल मारना पड़ेगा, दोनों को पैडल मारना पड़ेगा। ये बात तू याद रखना। ऑफकोर्स जेठा अंकल, मैंने कहा है तो मुझे तो याद रहेगा ही ना। तो चलिए शुरू करते हैं बोट रेस, सब लोग रेडी? सब अपनी अपनी मार्क पर अपनी बोट के साथ रेडी है, तो चलो अब शुरू करते हैं। गेट सेट गो। अंकल बहुत भूख लगी है। अब बेटा थोड़ा कैंटीन के पास ले लो ना। अरे बेटा ले लूंगा, अगर हम लोग जीत गए ना तो मैं तुझे पार्टी दूंगा बस। अरे जबरदस्त। नहीं नहीं अंकल थोड़ा बीच में तो लेना ही पड़ेगा, ब्रेक कोल्ड ड्रिंक भी नहीं है अंकल। वहां लेंगे धक्का मार। नहीं ठीक है मार पैडल चला रहो। बहुत वजन आ रहा है मेरे पैर पे, तू नहीं मार रहा है, चीटिंग मत कर, मार पटेल। सूरज 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 हम पहुंच गए, हम लोग पहुंचे। बस 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 जेठा अंकल वो लोग आगे जा रहे हैं। अरे तो क्या करूं, पैडल मारिए। मार तो रहा हूं। Come on!
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारी प्यारी हस्ती हसाती गोकुलधाम सोसाइटी की कर्म भूमि को वंदन करता हूं। हे ईश्वर, हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम को और हमारे दर्शकों को स्वस्थ रखना और हमेशा खुश रखना। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। प्यारे दर्शकों, आज 28 जुलाई है, हंसो हसाओ दिवस। आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा के हास्य की सफर को हंसते हंसाते 13 साल पूरे हो गए। परम कृपाणु परमात्मा की कृपा, गुरुदेव और माँ बाप के आशीर्वाद और आप सभी के प्यार और मोहब्बत की बरसात से तारक मेहता का उल्टा चश्मा की हास्य की हरियाली 14वें साल में प्रवेश कर रही है। 28 जुलाई 2008 हास्य का जो झरना फूटा था, आज 28 जुलाई 2021 के दिन 3219 एपिसोड के साथ हास्य का सागर बन गया है। दोस्तों, इतने सालों से हमारे और आपके बीच प्यार का एक मीठा रिश्ता है, एक अटूट बंधन है। हम आपके दिल की बात जानते हैं, आपको दया भाभी का बेसब्री से इंतजार है, पोपटलाल की शादी के लिए उत्सुकता है, हमें भी है। वक्त के साथ सब कुछ होगा। आज कोविड का समय चल रहा है, हमारे और आपके साथ बहुत सारी चुनौतियां है। शूटिंग भी हमको बहुत पाबंदियों के साथ करनी पड़ती है। ये तो आपका प्यार और आपकी दुआएं हैं कि जिसके बदौलत हम आपके सामने रोज आपके रूबरू हो रहे हैं और आपको हंसा पा रहे हैं। दोस्तों, इतने लंबे समय में कुछ कलाकार बदले हैं, किरदार वही है लेकिन कलाकार बदलते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम एक परिवार है। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारी टीम में से कोई हमसे अलग हो, लेकिन समय के आगे और ईश्वर की इच्छा के सामने किसी का कुछ नहीं चलता। हो सकता है आगे भी कुछ बदलाव आए, लेकिन एक बदलाव कभी भी नहीं आएगा, वो है हमारा तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम का आपके प्रति कमिटमेंट, हमारी प्रतिबद्धता। आपको रोज हंसाए रखेंगे, खुश रखेंगे और भरपूर मनोरंजन देंगे। और 14वें साल में ईश्वर को वही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हम सबको खुशियां बांटे, सबको खुश रखे। वक्त चाहे कैसा भी हो, हम आपको हर रोज हास्य परोसते रहेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हंसी खुशी का संसार ईश्वर के आशीर्वाद के अनुग्रह से और आपके प्यार की छाव में हमेशा फलता फूलता रहेगा। तो प्यारे दर्शकों, आप और हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 14वें साल का हंसी खुशी से प्रारंभ करते हैं। तो चलिए मेरे साथ और सेलिब्रेट करते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पर्दे के पीछे की टीम के साथ। तो ये हमारी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पर्दे के पीछे की टीम। हमारे आर्टिस्टों के साथ रूबरू तो आप हर रोज होते हैं, लेकिन ये हमारे पर्दे के पीछे की टीम, उनके साथ आप कभी नहीं मिले हैं। तो आज हम उनके साथ ये सेलिब्रेशन करेंगे। कोविड को चलते हुए कुछ पाबंदियां है, तो आज हमारी टीम थोड़ी सी छोटी है, लेकिन सभी को शुभकामनाएं। चलिए मैं मिलाता हूँ हमारे डायरेक्टर्स को और हमारी डायरेक्शन टीम, हमारे लेखकों की टीम, कैमरा डिपार्टमेंट, कैमरा की टेक्निकल टीम, लाइटिंग डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन टीम, आर्ट डायरेक्शन डिपार्टमेंट, क्रेन डिपार्टमेंट, ड्रेस डिपार्टमेंट, साउंड डिपार्टमेंट, स्पॉट बॉय डिपार्टमेंट, ये हमारे एडिटिंग की टीम, बैकग्राउंड म्यूजिक की टीम और ये हमारा प्यारा ऑफिस का स्टाफ।
यही हमारी पर्दे के पीछे की प्यारी टीम। आपका प्यार बनाए रखना है, हम आपको हंसाते रहेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम को हमेशा सपोर्ट और कोऑपरेशन करने के लिए हमारे सब टीवी चैनल के बिजनेस हेड नीरज व्यास को थैंक यू कहता हूँ, और उनको 14वें साल में प्रवेश करने के लिए हमारी टीम के साथ मैं भी उनको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू नीरज भाई। थैंक यू सर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम को मेरी तरफ से, सब टीवी की तरफ से, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क की तरफ से हार्दिक 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 शुभकामनाएं, और मैं तो यही चाहूंगा कि ये शो चलता रहे, सालों साल चलता रहे। हमारे पर्दे के पीछे की टीम के साथ ये सेलिब्रेशन, बस आपका प्यार यूं ही बना रहे, आपको भी बधाई, हमें भी बधाई, आपका प्यार मिलता रहेगा तो हम ऐसे ही सेलिब्रेशन करते रहेंगे। अब यहां मिलते हैं बोट रेस के साथ, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।